जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 का सार पढ़ेंगे, जो कि स्पेशली स्टूडेंट के लिए है, जिसका नाम है सांख्य योग। अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए इसमें बताया गया है कि युद्ध भूमि पर अपने परिजनों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर अर्जुन का दिल करुणा से भर जाता है। उसके मन में विचार आने लगते हैं कि वह इन लोगों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। यह वही समय था जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस स्थिति को देखकर उसका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जीवन में जब भी हम कठिन स्थिति में हो या हमें अपने कर्तव्य के प्रति संदेह हो, तब हमें किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो कि हमें सही मार्ग दिखा सके। यह श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह मोह तुम्हारे पास कैसे आ गया? यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें हर स्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और मोह माया के भ्रम के कारण मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने की स्थिति में खड़े हैं और इसी कारण से वे अत्यधिक दुखी हैं। अर्जुन कहते हैं, उनका दुख इतना गहरा है कि वे कोई ऐसा उपाय नहीं देख पा रहे जो इस दुख को दूर कर सके। श्री कृष्ण अर्जुन की स्थिति को समझते हैं और जानते थे कि इस संकट की घड़ी में उनका कैसे मार्गदर्शन करना है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि आत्मा अमर है और केवल शरीर नाशवान है, इसलिए उन लोगों के लिए शोक करना जिनके लिए शरीर नष्ट हो चुके हैं अज्ञानता है। आत्मा अनश्वर है, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह सृष्टि के आरंभ से ही थी और आगे भी रहेगी। जिस प्रकार इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के बाद दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो सुख और दुख इंद्रियों के संपर्क से प्राप्त होते हुए अस्थायी होते हैं, जैसे गर्मी और सर्दी आती और जाती रहती है, वैसे ही सुख और दुख भी स्थायी नहीं होते। हमारा यह शरीर नाशवान है, अर्थात एक दिन इसका अंत निश्चित है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है और फिर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा तो इस शरीर में निवास करती है, वह अविनाशी है। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, न ही कभी मृत्यु होती है, न ही वह उत्पन्न होती है और न ही भविष्य में कभी उत्पन्न होगी। इसलिए हे अर्जुन, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना गलत नहीं है। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी इसे गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है, यानी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा अमर है और शारीरिक शरीर के मृत्यु या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। अर्जुन, तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठ जाना चाहिए। कोई इस आत्मा को आश्चर्य के रूप में देखता है, कोई इसके बारे में आश्चर्यजनक बातें करता है, कोई इसे आश्चर्य के रूप में सुनता है और सुनने के बाद इसे वास्तव में समझता नहीं है। आत्मा को समझना और स्वीकार करना मनुष्य के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगर तुम युद्ध से पीछे हट जाते हो तो बड़े बड़े महान योद्धा यह मान लेंगे कि तुम्हें डर के कारण युद्ध में पीछे हटने का निर्णय लिया है। एक योद्धा के लिए कर्तव्य और सम्मान सबसे ऊपर होता है। कर्म, श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के लाभों को बताते हुए कहते हैं, कर्म योग के मार्ग में कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और न ही कोई हानि होती है। अर्थात हमको जीवन में अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझकर अपनी बुद्धि और ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित करना चाहिए, ताकि हम सफलता प्राप्त कर सकें। जो लोग अल्प ज्ञानी होते हैं, वे वेदों के बाहरी अर्थों को और कर्मकांडों में फंसे रहते हैं। ऐसे लोग वेदों में बताए गए हवन, यज्ञ और अन्य धार्मिक कर्मकांडों को केवल इसी उद्देश्य से करते हैं कि उन्हें स्वर्ग मिल जाए और अच्छा जीवन मिले।
वेदों का असली उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति है, न कि केवल भौतिक सुखों का आनंद लेना। जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख संपत्ति या स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है, बल्कि हमें वेदों के गहरे अर्थों को समझकर जीवन में सही दिशा की तरफ लेके जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से श्री कृष्ण पर निर्भर हो जाता है और भक्ति में तल्लीन हो जाता है, तो वह स्वाभाविक रूप से वेदों में बताए गए सभी उद्देश्य प्राप्त कर लेता है। आगे अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हुए बोलते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में, उसके फलों में नहीं। तुम कर्म के फल की प्रेरणा से कर्म मत करो, और ऐसा भी न हो कि व्यक्ति अकर्म में लग जाए। अर्थात हमें अपने कर्तव्य के पथ पर चलते रहना चाहिए। अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग और कर्मयोग के बारे में समझाते हैं। योग का मतलब है मन की स्थिरता और संतुलन बनाए रखना, चाहे परिणाम सफल हो या असफल। इस प्रकार योगी व्यक्ति अपने कर्म में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगा रहता है, लेकिन कर्मों के परिणाम पर उसकी स्थिति नहीं बदलती। बुद्धियोग से अभिप्राय है कि जब व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को उच्च आत्मा या ईश्वर की भक्ति में समर्पित करता है, तो वह कर्म के प्रति आदर्श दृष्टिकोण रखता है। सही दृष्टिकोण और बुद्धि के साथ कर्म करना आवश्यक है, जबकि कर्म के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की अपेक्षा के निष्काम भाव से करना चाहिए, जिससे हम जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जब व्यक्ति भ्रम, माया और अज्ञान से मुक्त हो जाता है, तो वह संसार के भौतिक सुखों और दुखों से ऊपर उठ जाता है। जो व्यक्ति दुखों से विचलित नहीं होता, सुखों की प्राप्ति पर उसकी इच्छाएं शांत हो जाती है। जो व्यक्ति राग, भय और क्रोध से मुक्त हो गया, उसे स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जिस प्रकार कछुआ अपनी रक्षा के लिए अपने अंगों को अपने खोल के अंदर समेट लेता, उसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जब हमारी इंद्रियां बाहरी विषयों अर्थात ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से जुड़ी रहती है, तो हमारा मन अशांत रहता है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और उसकी आत्मिक शांति प्राप्त हो जाती है। केवल इंद्रियों को रोकना पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से जागरूक होना और परम सत्य को अनुभव करना होता है। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति को ही सच्चे ज्ञान और मुक्ति का अनुभव होता है। यदि हम ध्यान, आत्म नियंत्रण और भगवान की भक्ति पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम इन सभी मानसिक बाधाओं से बच सकते हैं। अर्थात हमें अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि हमारी बुद्धि और समझ स्थिर रह सके। यदि अपनी इंद्रियों को अपने इरादों से नियंत्रित कर सकते हैं, तो हमारी बुद्धि मजबूत रहती है, जिससे हम जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमें सांसारिक आकर्षणों और भयों से ऊपर उठकर नई दृष्टि और समझ को विकसित करना चाहिए। फल की अपेक्षा न करते हुए कर्म करना और अहंकार न करने से ही सच्ची शांति मिलती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे पार्थ, इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके ही इस अवस्था को प्राप्त करा जा सकता है, और ऐसी अवस्था में व्यक्ति कभी मोह में नहीं पड़ता। ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है ऐसी मानसिक अवस्था जहाँ व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानता है और उसे परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव होता है। जहाँ व्यक्ति का मन और आत्मा स्थिर हो जाते हैं, वह सांसारिक सुख से ऊपर उठकर सच्ची शांति और मोक्ष का अनुभव करता है। धन्यवाद। राधे राधे।